प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। और आज के हिंदी बाइबल स्टडी में हम फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। पिछली बार हमने पहले तिमोथियुस उसके दूसरे अध्याय में से प्रार्थना की प्राथमिकता, इस चीज के बारे में हमने एक साथ कुछ वचनों को हमने सोचा, ध्यान किया कि किस तरह से परमेश्वर ये चाहते हैं कि कलीसिया में सबसे पहले जब हम विश्वासी लोग एक साथ मिल करके आते हैं आराधना करने के लिए और एक साथ हम फेलोशिप के लिए आते हैं, तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से कुछ मांगें, हम परमेश्वर से विनती करें। क्योंकि ये मान लीजिए जैसे परमेश्वर का एक रास्ता है, दिस इज अ वे ऑफ गॉड। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं कि हमारे मांगने से पहले ही प्रभु ये जानते हैं कि हमें किस चीज की जरूरत है, लेकिन फिर भी प्रेयर इज ए डिसिप्लिन। प्रार्थना हमारी जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो हमको परमेश्वर से जोड़ करके रखती है। प्रार्थना से हम ये समझते हैं कि हम अपने आप में अधूरे हैं और हमें हर चीज के लिए परमेश्वर की ओर हमें देखना पड़ता है। और हमारे पिता परमेश्वर ये मान लो वो जैसे वेट करते हैं कि हम उनसे क्या मांगते हैं, उनकी इच्छा को समझकर हम जब उनसे मांगते हैं तो वो हमें देने के लिए, प्रदान करने के लिए परमेश्वर जो है बहुत ही इच्छा रखते हैं और मन रखते हैं। हालेलुया। सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना किया जाए ये परमेश्वर चाहते हैं। किस लिए? कि हम, ये हमारे लिए ही अच्छी बात है। जैसे दूसरे वचन में हम पढ़े कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से हम जीवन बिताएं। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, ऐसा नहीं कि किसी एक प्रांत वालों से, एक भाषा वालों से या एक राज्य के लोगों से, ऐसा नहीं। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम रखा है और वो ये चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उद्धार पाए, हर एक मनुष्य पाप से छुटकारा पाए, कोई भी जो है नरक में ना जाए, सब लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। और हमें सुसमाचार तो सुनाना है, प्रचार करना है, अपने जीवन के द्वारा प्रभु का प्रेम हमें दूसरों से बांटना है। परंतु इसी के साथ साथ में सबसे परम प्रधान एक बात ये भी है कि हम प्रभु से विनती करें, हम हर एक मनुष्य के लिए प्रार्थना करें कि जिस तरह से उनका आँख जो है वो बंद हो गया है, सच्चाई को वो नहीं देख पा रहे हैं, उन चीजों से परमेश्वर जो है उनको छुटकारा देते हुए सुसमाचार उनको समझ में आ जाए, उनकी आँख खुल जाए, इस बात के लिए प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। ये परमेश्वर इस बात को चाहते हैं। इट इज गुड एंड एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। तो सातवें वचन तक तो हमने देख लिया और इसके बाद एक से लेकर के सात तक का जो वचन, उसमें प्रार्थना के बारे में जो कुछ भी पौलुस प्रेरित ने कहा, उसी बात को आगे ले जाते हुए आठवें वचन से हम नीचे पढ़ेंगे। मेरी इच्छा थी कि 15वें वचन तक आज हम एक साथ सोचें, लेकिन जैसे इसको स्टडी करके मैं आगे निकली तो ऐसा मुझे लगा कि दो एपिसोड में हम इसको 8 से लेकर के 15 तक जो है हम इसको खत्म करेंगे, क्योंकि बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को यहाँ पर जो है एड्रेस किया गया है। तो 8वें वचन में कहता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। इसलिए वो वचन शुरू ही ऐसे होता है, इंग्लिश में ऐसा कहता है, therefore I want the men। तो एक से सात तक जो भी शिक्षा पौलुस प्रेरित ने दिया उसके आधार पर अब वो कहते हैं कि देखो प्रार्थना क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन बातों को जो है वो बताकर आते हुए उसके आधार पर जो है वो कहते हैं, इसलिए therefore जब तुम लोग एक साथ आओ तो पुरुषों के बारे में जो है वो वहां पर ले करके कह रहे हैं, अबाउट द रोल ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेयर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों को प्रार्थना करना है ना,
स्त्री लोगों को भी प्रार्थना करना है, सब लोगों को प्रार्थना करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्रत्येक रूप से हम ये चीज को नोट करते हैं कि ज्यादातर स्त्री लोग जो हैं वो लोग ज्यादा प्रार्थना करती हैं, है ना। और ऐसे पासवानों का भी सोचना है कि चर्च में मान लीजिए अगर कोई प्रेयर मीटिंग बुलाया जाता है तो उसमें ज्यादा जो है औरतें उसमें अटेंड करती हैं या स्त्री लोग, बहन लोग ज्यादा प्रेयर मीटिंग में आती हैं। तो कई बार तो हम चर्च में या कलिसिया में ऐसे सोचते हैं कि प्रार्थना करना बहनों का काम है, बाहर जाकर के काम करना, प्रचार करना और सब बातें जो है वो भाइयों के लिए या पुरुषों के लिए है, लेकिन प्रार्थना का जो डिपार्टमेंट है वो ठीक है, तुम घर में बैठो प्रार्थना करो या कलिसिया में मिलके बहन लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग बाहर जाकर के जो है प्रचार करेंगे और मिनिस्ट्री करेंगे। लेकिन वो बात ठीक नहीं है। यहां पर पौलुस प्रेरित करते हैं कि कहते हैं देखो कलिसिया में नंबर वन जो पुरुष लोग हैं जिनको कि लीडर बनाया गया है, उनको कलिसिया में भी जो फाइनल लीडरशिप में परमेश्वर ने जो पुरुषों को नियुक्त किया है, घर में पुरुष जो स्त्री का सर है, मैन हु इज द हेड ऑफ वुमन, उसको जो है बिल्कुल एक मॉडल के रूप में परमेश्वर उसको देखना चाहते हैं कि तुम प्रार्थना करो। हे पुरुषों, ये तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो। और वो क्या कहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह का ये भी मतलब है कि कलिसिया में, जब कभी तुम लोग हर कलिसिया में, उस प्रांत में जितनी भी कलिसियाएं हैं या जितने भी फेलोशिप हैं, वहां पर जब तुम लोग मिल करके आओ, पुरुष लेकर के कहता है कि पुरुष लोग तुम पीछे मत हटो, मत सोचो कि प्रार्थना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें प्रार्थना करना है। किस तरह से, वहां पर दो तीन चीजों को लेकर के बोला गया है, बिना क्रोध और विवाद के, ये दो बात लेकर के कहा गया है। इंग्लिश में ऐसा पढ़ते हैं विदाउट रैथ और एंगर एंड डिसेंशन। वो दिल की दो बातों को, वो जो है पवित्रता में अपने आप को रखते हुए, ऐसे एक मनुष्य की प्रार्थना को परमेश्वर जो है सुनता है, बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया जाए। तो यीशु मसीह के जो है जो सीख उन्होंने अपने चेलों को दी, इस बात को वहां पर हम बिल्कुल जो है व्यक्त रूप से हम देखते हैं कि देखो तुमको जो है प्रार्थना बाहरी दिखावे के लिए नहीं करना है। ऐसे फरीसी लोग करते थे, मसीह के जमाने में लोग ऐसा करते थे, उनके दिल में विश्वास नहीं, दिल में वो लोग कपटी बने रहते थे, परमेश्वर से दूर रहते थे, लोगों से दया प्रेम नहीं रखते थे, परंतु जब कभी वो जो है मंदिर में आ जाते थे तो वो बहुत जोर जोर से हाथों को उठाते हुए बिल्कुल प्रार्थना करने लगते थे, और वो जो है परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बाहरी दिखावे के लिए तुमको प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना वो बात है जहां हम परमेश्वर से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर से हम बातें कर रहे हैं, तो तुम पवित्र परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ आओ। देखो तुम मनुष्यों के सामने बनावटी चीज कर सकते हो, बट यू कैन नेवर फूल गॉड। मनुष्य हो सकता है तुम्हारा बाहरी जो है वो दिखावा देख करके सोचता हो कि अरे ये तो बिल्कुल कितना धर्मी है, देखो कितनी ऊंची आवाज में प्रार्थना कर रहा है, देखो कितना वो जो है नम्रता के साथ प्रार्थना कर रहा है, बड़े बड़े जो है शब्दों का उपयोग करते हुए, कठिन कठिन वाक्यों का उपयोग करते हुए प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, लेकिन दिस नेवर इम्प्रेसेस गॉड। बाहरी तौर से तुम जो दिखावा कर रहे हो उन बातों से परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर को हम मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि वो हमारे दिल को देखते हैं। तो दो बात देखो, बिना क्रोध के, तो क्रोध तो हम परमेश्वर से नहीं करते हैं ना, आपस में करते हैं।
तो दूसरे भाइयों बहनों से, दूसरे मनुष्यों से हमारा संबंध कैसा है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। जब आप प्रार्थना करने आते हैं तो आपका हाथ बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, दिल बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, तब आपको बहुत बनावटी रूप से आप प्रार्थना ना भी करें, हो सकता है आप कुछ शब्द दिल से बोले तो तुरंत वो पिता परमेश्वर के पास जो है पहुंच जाता है। पवित्र आत्मा का वो जो है अगुवाई हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, हम पवित्र आत्मा के साथ मिलकर के जो है प्रार्थना कर पाते हैं। तो इसीलिए जैसा मसीह ने हमें शिक्षा दिया है ना, मैं उन बातों में अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारा टाइम आगे निकल जाएगा, लेकिन आप जानते हैं प्रार्थना के बारे में मसीह यीशु ने अपने चेलों को ढेर सारी शिक्षाएं दी। कुछ बातों को उन्होंने क्या कहा कि देखो जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम बिल्कुल जो है अपने कमरे के अंदर में तुम घुस जाओ, है ना, कमरे के अंदर चले जाओ, दरवाजा बंद कर लो और वहां पर तुम प्रार्थना करो। माने वो सीक्रेट प्रेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। वो व्यक्ति जो ऐसे जो है रहस्य में प्रार्थना करने का जो हैबिट जिसको है, केवल वही जो है कलीसिया में जब आप आएंगे, केवल वहां पर अगर आप प्रार्थना आपको करना है तो वो सीक्रेट प्लेस में या रहस्य स्थल में जो आपको प्रैक्टिस हुआ है प्रार्थना करते करते प्रभु के साथ रहते रहते, वैसे ही लोग कलीसिया में भी आकर के जो है बिल्कुल सिंसियरली प्रार्थना ऐसे ही लोग कर सकते हैं। फिर मसीह ने ऐसा भी कहा कि देखो केवल रहस्य वाला प्रार्थना ही नहीं, हम जब यहाँ पर तो पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम लोग एक साथ मिल करके आओ तब तुमको कैसे प्रार्थना करना है ना, वहां पर भी मसीह ने ऐसा कहा, देखो तुम भेंट चढ़ाने के लिए मंदिर में जा रहे हो प्रार्थना करने और तुमको लग रहा है कि किसी और भाई को तुम्हारे विरुद्ध में कुछ है उनके मन में। ऐसा भी नहीं कहता है कि अगर तुम्हारे मन में कुछ कड़वाहट है या दुख है, ऐसा नहीं कहता, तुम्हें लग रहा है कि किसी और के दिल में तुम्हारे प्रति कुछ बातें हैं क्या, तो तुम प्रभु को जो भेंट चढ़ाने आए हो उसको वहीं पर रख छोड़ो, उस भाई के पास जाओ और उससे मेल मिलाप करने के बाद तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। बहुत ही एकदम दिल की बात को यहां पर जो है मसीह कह रहे हैं। कई बार हम विश्वासी लोग हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो आंसुएं बहा रहे हैं, उससे हो सकता है परमेश्वर हमसे खुश हो जाए। वो एक तरफ वो बात तो है, परंतु हमारा परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे दिल को देखता है, हमारे दिल के अंदर की बातों को देखता है। हमारे अंदर परमेश्वर सच्चाई और पवित्रता को मानता है, मांगता है। हालेलुया। तो इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान में रखिए, बिना क्रोध के और विवाद के। कई बार ना ऐसा हमें खुद महसूस होता है, जैसे अंदर मान लो कुछ बिल्कुल कुछ विवाद चल रहा है, हो सकता है किसी ने कुछ बोल दिया, हमने कुछ देख लिया, कहीं से कुछ सुन लिया, है ना, और हमारे अंदर जैसे ना बिल्कुल एक लड़ाई करने जैसा एक मन, हमारे अंदर कुछ वायलेंस, कुछ तो अंदर एक हम शांत नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का शांति हमारे अंदर में नहीं है, कुछ तो अंदर ऐसा ऐसा चल रहा है ना, कुछ जैसे मान लो लड़ाई करने जैसा एक मन हमारे अंदर है, किसी से क्रोध है, कुछ कड़वाहट है, इसको रखते हुए कभी हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। इसको डेली डेली जो है आप इसको सॉल्व करते जाइए, जो प्रभु से बोलना है प्रभु से बोलिए, जो लोगों से बोलना है, और जहां जितना हो सके दूसरे लोगों के साथ प्रेम रखिए, शांति रखिए, परस्यू पीस विद ऑल मेन, दिस इज द विल ऑफ गॉड। और जब हम ऐसे जगह पर आ जाते हैं तो प्रेज गॉड, जैसे मान लो बिल्कुल लाइन क्लियर हो जाता है ना, फिर कोई रुकावट नहीं, फिर हमें रोकने वाला कौन है, फिर हम बिल्कुल जो है परमेश्वर के सामने आकर के हाथों को उठाकर, ऐसा यहां कहा गया है पवित्र हाथों को उठाकर। तो इसका ये जो है, ये जो एक एटीट्यूड है वो इट इज एन एटीट्यूड ऑफ सरेंडर, जैसे कि हम परमेश्वर के समुख
सब कुछ हम कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपका हूं, मेरा सब कुछ आपका है, और बिल्कुल जो है स्वर्ग आपके ऊपर खुल जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मसीह यीशु के नाम से आप जो भी मांगेंगे परमेश्वर वो आपको देगा। हालेलुया। और कलीसिया में हम भाई बहन लोग जब हम आते हैं और दो या तीन लोग एक साथ जो है मिलकर एग्रीमेंट करके अगर मान लीजिए आप किसी चीज को मांग रहे हैं तो हालेलुया परमेश्वर जो है जरूर वो आपको देगा। ये प्रार्थना की शक्ति ये है। परंतु कई बार हम प्रार्थना की शक्ति को प्रकट होते हुए नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिस तरह से हमको प्रार्थना के लिए हमको इनविटेशन देते हैं हम उस तरह से उनके सामने नहीं आते। हम अपनी रीति से अपने ढंग से हम प्रार्थना करते हैं। कई बार भाई बहन लोग जब हम लोग कलीसिया में एक साथ प्रार्थना करने के लिए आ करके बैठते भी हैं तो बैठे बैठे आपस में जो है हम मेल मिलाप में नहीं हो पाते। हमको याद आता है कि उसने मेरे बारे में तो ऐसा बोला, उसके बारे में कुछ कड़वाहट है, तो वहां पर हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हो सकता है कई बार हाथ भी एक साथ पकड़े हुए हो लेकिन दिल एक साथ नहीं है। देयर इज नो यूनिटी। और वो जो है प्रार्थना के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है। तो परमेश्वर इन बातों के बारे में हमको गहरा प्रकाशन दे, पवित्र आत्मा हमको प्रकाशन दे, क्योंकि इन दिनों में जिस जागृति के लिए हम परमेश्वर के सामने हैं, अपने प्रांतों में और अपने देश में जिस जागृति को हम देखना चाहते हैं उसमें प्रार्थना का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा स्थान है। हालेलुया। और इसलिए हमें अपनी अपनी बातों को हटा करके रखना है, अपना जो है शारीरिक जो स्वभाव है उसमें से जो भिन्नताएं हमारे अंदर आ जाती हैं उन सब को हटा करके रखना है और प्रार्थना की शक्ति को ऊंचे रीति से हमारे बीच में प्रकट होते हुए हमें देखना है। हालेलुया। हमारे प्रचार से भी, हमारी सेवकाइयों से भी सबसे ज्यादा स्वर्ग की शक्ति जो है धरती पर बिल्कुल उतर कर आ जाती है जब हम परमेश्वर जिस रीति से चाहते हैं उस रीति से एक मन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें ज्यादा प्रकाशन दे। इसके बारे में जो है बाद में जो है नौहे वचन से हम बहनों के बारे में या स्त्रियों के बारे में जो है यहाँ पर कई बातें देखते हैं। तो इसको दो सेक्शन में हम देखेंगे, आज कुछ बातों को सोचेंगे और जो है चर्च में बहनों का या स्त्रियों का उनका क्या रोल है इसके बारे में कुछ बातों को यहाँ पर पौलुस प्रेरित ने कहा, जिसको कई बार बिल्कुल गलत रीति से जो है उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो उसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे कुछ बातें कहेंगे। आज जो है केवल एक वचन, नौहा वचन हम देखेंगे, 9 और 10। यहां पर क्या कहते हैं, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अब देखिए यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है कि पुरुष लोग तुम लोग प्रार्थना करो और स्त्री लोग तुम लोग प्रार्थना मत करो, पर तुम लोग ज्यादा जो है अपने चाल चलन पर ध्यान रखो, ऐसा नहीं है। देखिए पौलुस प्रेरित जब तिमोथियुस को यह शिक्षा दे रहे हैं तो वो विशेष तौर से उन बातों के ऊपर गौर कर रहे हैं जिसके बारे में उस कलीसिया में कुछ तो गड़बड़ है ना। जैसे हो सकता है कि पुरुष लोगों के बीच में प्रार्थना करने का जो है वो कल्चर ज्यादा नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं भाई लोग, तुम लोग इधर उधर बैठ के बातचीत करने के बजाय प्रार्थना करो। और स्त्रियों के बीच में हो सकता है उनके चाल चलन में, उनके वस्त्र धारण में कुछ गड़बड़ी उस चर्च में कलीसिया में हो रहा है, ऐसा इनको सुनने में आया। तो ये जो लोग कलीसिया में, इफिसुस की कलीसिया है ये, और जब बहुत बड़ी जागृति आई पौलुस की सेवकाई के द्वारा, जो बहुत बड़ी जागृति आई, तो क्या हुआ कि जो लोग कलीसिया के अंदर आए बहुत सारे लोग जो है अन्य जातियों में से भी आकर के इसमें आ गए, जो मूर्ति पूजा में थे या और कई तरह के, इवन ऐसी बहुत सारी बहनें जो कि वेश्या के रूप में थी, है ना।
तो इन लोग जो है सुसमाचार को सुन के ग्रहण करके इन लोग कलीसिया के भाग बन गए। लेकिन उनके चाल चलन में हो सकता है कि उतना जो है बदलाव नहीं आया। तो वो लोग जो अपनी पहली जिंदगी में जिस तरह से उन लोग अपने आप को संवारते थे, या उनके चाल चलन में अपने बालों को जिस तरह से रखते थे, या उनका जो है कुछ जो है एटीट्यूड कि वो पुरुष लोगों से जिस तरह से उनका बातचीत करने का ढंग था, इन सब बातों में कुछ तो कुछ अश्लीलता थी या कुछ तो ऐसी बात थी जो कि कलीसिया के लिए उचित नहीं है। और इस बारे में जानते हुए केवल उसी पॉइंट बातों को लेकर के पौलुस जो है बताते जा रहे हैं, करेक्शन बता रहे हैं कि देखो भाइयों से पुरुषों से ऐसी बातों को कहो और स्त्रियों के बारे में जो है इनको ऐसे कहो। तो देखो यहां पर क्या है कि उनको किस तरह से रहना है, उनके जो है वस्त्र धारण के बारे में कुछ कहा गया है यहां पर, है ना। तो जिस तरह से पुरुषों के लिए प्रार्थना के बारे में कहा गया कि देखो तुम्हारा बाहरी दिखावा तो नहीं, परमेश्वर दिल को देखता है, उसी तरह से स्त्रियों को भी कहा गया है कि देखो बहन लोग जो है उन लोग थोड़ा सा ज्यादा केयर करते हैं, कैसे उन लोग कपड़ा पहनते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, है ना। अपना अच्छा कपड़ा पहनो, बिल्कुल डिसेंट रहो, है ना, क्योंकि कोई तुमको देख करके, अब तुम गंदा भी घूमोगे तो कोई देख करके तुमको बोलेगा कि तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है ना। तो लेकिन परमेश्वर जो खूबसूरती को किस तरह से देखता है, तुम्हारा जो बाहरी दिखावा है, बाहरी तौर से जो तुम तैयार हो रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, या कुछ जो है सोना चांदी और मोती को तुम जो है पहने हुए हो, या बाल गूंथ रहे हो, ये सब जो है बाहरी तौर से तुम कर रहे हो, उन चीजों में भी तुमको जो है मॉडेस्ट रहना है, माने ओवर नहीं जाना है। जैसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, टू मच, है ना। जैसे हम, हो सकता है हम देख रहे हैं कि हम कोई पिक्चर में देख रहे हैं, या जो जो फैशन लोग जो करते हैं, हमारे चारों तरफ लोग जो है जिस तरह से सजते हैं, संवरते हैं, मेकअप करते हैं, घूमते हैं, है ना, उनका ज्यादा फोकस जो है जाने अनजाने बाहरी जो खूबसूरती में हो जाता है। लेकिन कलीसिया की जो स्त्रियां हैं या औरतें हैं, उनको विशेष रूप से ये ध्यान में रखना है कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे से रहो, लेकिन आपको सब चीज जो है बिल्कुल एक कंट्रोल में करना है, है ना। आपको ये सोचना है कि थोड़ा एक तरफ दिमाग के एक तरफ में ये सोच आपके लिए अच्छा है कि दूसरे लोग जब मुझे देखेंगे तो उनको कैसा लगेगा, है ना। ऐसा नहीं कि हम दूसरे लोगों को दिखाने के लिए उस तरह का कपड़ा पहने या उस तरह से सजे सवरे, क्योंकि लोग कई तरह के हैं और वो हमेशा कुछ कुछ कमेंट बोलते रहते हैं। लेकिन ये भी एटीट्यूड अच्छा नहीं है हमको कि चाहे जो भी मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे तो इसकी परवाह नहीं, मुझे जो चाहिए मैं करूंगी। तो ये एटीट्यूड जो है प्रत्येक रूप से बहनों के लिए अच्छा नहीं है। अभी बाहर में एक एक फैशन निकलता जा रहा है तो हम उस फैशन को चर्च में निकाल ले रहे हैं, है ना, ये उतनी अच्छी बात नहीं है। आपको सोचना है कि क्या अच्छा लगेगा, व्हाट इज मॉडेस्ट एंड व्हाट इज मॉडरेट। देखिए क्या उसके लिए वाक्य यूज किया है, स्त्रियां भी संकोच और संयम, बिल्कुल सुहावना, बिल्कुल जो है शब्द यहां उपयोग किया गया है, सुहावने वस्त्र, प्रेज गॉड, मॉडेस्ट अपैरल, गंदा भी मत घूमो। देखो औरतों को या बहनों को ऐसे देखने से भी अच्छा नहीं लगता, है ना। मैंने तो कितनों को सिखाया कि बेटा अच्छा कपड़ा पहनो, अब तुम 1975 वाला मॉडल आज पहन के घूमोगे तो वो भी खराब है, उसको भी देख करके लोग तुम्हारा खिल्ली उड़ाएंगे, है ना। अच्छे से रहो, है ना, अच्छे से रहो, बिल्कुल साफ सुथरे रहो, अच्छे कपड़ों को पहनो, लेकिन तुम्हारा ज्यादा ध्यान उस तरफ में नहीं जाना चाहिए। देखो इस वचन में ये भी नहीं कहता है कि तुम सोना चांदी मत पहनो, कई लोग इस वचन को लेकर के ऐसा भी सिखाते हैं, यहां पर ऐसा नहीं कहा गया है।
पहला पत्रुस तीसरा अध्याय उसका 3-5 का वचन आप लोग पढ़िए, बिल्कुल इसी का बिल्कुल सेम जो है अर्थ वहां पर बताया गया है। तो ये प्रेरित लोग ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल गरीब जैसे घूमो, गंदा से घूमो, अपने आप का ध्यान मत रखो, नहीं नहीं, पर एकदम संयम के साथ करो। ज्यादा मेकअप करना है ना, बिल्कुल जो लेटेस्ट फैशन है उसको बिल्कुल अगले हफ्ते चर्च में निकाल रहे हैं, एकदम टाइट कपड़ा पहनना, छोटा कपड़ा पहनना है ना, उतरा गला वाला कपड़ा पहनना, ये सब जो है हमारी स्त्रियों को शोभा नहीं देता, ठीक है। तो ऐसा इंग्लिश में हम कहते हैं कि 3 का जो है ध्यान रखना चाहिए बहनों को जब आप अपने कपड़ों को सेलेक्ट करते हैं, है ना। तो टू टाइट नहीं होना चाहिए, टू लो नहीं होना चाहिए, और टू हाई, जैसे कि आप स्कर्ट पहन रहे हैं या ऐसा कुछ चीज, तो टू हाई नहीं होना चाहिए। इन 3 चीजों के बारे में आप ध्यान रखिए। हो सकता है कि अभी का स्टाइल ये हो कि लोग टाइट वाला कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन देखो वो आपको अगर नहीं जचता, आपका जो बॉडी शेप है इसको उठा करके दिखाता है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो पवित्र आत्मा खुद ऐसी बातों में हमारी अगुवाई करेगी अगर हम ओपन हैं तो, है ना। तो हमको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो मॉडर्न है, है? हम किसी की बात को क्यों सुनेंगे, हम आजाद हैं, वी आर फ्री इन क्राइस्ट, मुझे जैसा लगेगा वैसा मैं करेंगे, वो उनको क्या है, वो मुझे क्यों बता रहे हैं। तो ये एटीट्यूड हमारे लिए अच्छा नहीं है, है ना। हमें बिल्कुल जो है पवित्रता को जो है बाहरी तौर से भी आपको देख करके किसी का आंख बार बार आपके तरफ ना आए, पुरुष लोग हमारे चारों तरफ है, तो इस तरह से आप ड्रेसिंग ना करें कि किसी और के लिए जो है आप जो है एक किसी तरह का एक प्रॉब्लम किसी के लिए आप क्रिएट ना करें, है ना। जैसे कि हम बहन लोगों को ही इस बात के बारे में मालूम है, कोई और स्त्री बिल्कुल ऐसे नीचे गर्दन वाला कोई बिल्कुल टॉप पहन ले या टाइट कपड़ा पहन ले, तो हम लोग खुद जो है 2 हमारी आंख उनकी तरफ चली जाती है, तो पुरुष लोगों की बात तो अलग है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आप अच्छे से रहो, है ना, अपने आप का ध्यान रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा जो है जेवर आप पहनो, बट बी मॉडेस्ट इन एवरीथिंग दैट यू डू। और यहां पर देखिए क्या कहता है कि तुमको सचमुच में खूबसूरत क्या बनाता है, ये तुम्हारे अंदर बिल्कुल एक पवित्र आत्मा का प्रकाशन अंदर ही अंदर रहे। बाहरी तौर से तुम जैसे भी दिख रहे हो, भले काम एक एक स्त्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, ए वुमन विद गुड वर्क्स, ए वुमन हु फियर्स द लॉर्ड इज ब्यूटिफुल। और तुम्हारी जिंदगी में जो है अच्छे काम होने चाहिए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे ससुराल में, तुम्हारी कलिसिया में, लोग तुमको ऐसे देखें कि अरे ये बहन कितनी अच्छी है, हम सब के लिए भला करती है, अच्छे शब्द का उपयोग करती है, हमसे प्रेम रखती है, दान धर्म करती है। ऐसे लोगों का फिर कोई वस्त्र नहीं देखता, जेवर नहीं देखते, है ना, पर लोग उनसे प्यार करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। और ये जो है प्रेरित का बिल्कुल पक्का टीचिंग है कि पासवान लोग, तुम लोग भी थोड़ा ध्यान में रखो, ऐसी बातों को ध्यान में रखना है। देखो, और जो है जो सीनियर लेडीज हैं उनको ध्यान में रखना है कि जो जो दूसरी युवतियां हैं चर्च में, उनका चाल चलन, उनका कपड़ा, वो किस तरह से बातें करती है, किस तरह से उनका चाल चलन है, इन सब चीजों के बारे में हमको ध्यान रखना है। हालेलुया। और जैसे हम नीति वचन उसके 31 अध्याय में पढ़ते हैं, आप लोग उसका ध्यान कीजिए, वहां पर जो उसका 30 वचन है वहां पर कहता है ना, चार्म इज डिसीटफुल एंड ब्यूटी इज इन वेन, बट ए वुमन हु फियर्स द लॉर्ड इज टू बी ग्रेटली प्राइज्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे इन वचनों से। अगले हफ्ते जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में हम सीखेंगे,
और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक है, लोग कई तरह से इसको सिखाते हैं, लेकिन हमने जो इसमें से सीखा है, हमारे आत्मिक पिता जो हैं इसके बारे में जो सीख उन्होंने हमें दी है, उसमें से कुछ बातें मैं आपको बताना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।